हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और बहुत दिनों बाद आज मैं नर्सरी निकली हूँ और आज मैं आप लोगों से मोनिका नर्सरी शेयर करूँगी। और जैसा कि नर्सरी देख के ऐसा लग रहा है कि सचमुच विंटर सीजन आ गया है, यानी फूलों का सीजन, तो बहुत सारे खूबसूरत कलेक्शन इनके यहाँ कल ही आया हुआ है। और जैसा कि सभी को मालूम है कि मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, तो धीरे धीरे मैं सभी नर्सरियाँ शेयर करूँगी। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम नर्सरी में कौन कौन से प्लांट आए हुए हैं शेयर कीजिएगा। तो इनके यहाँ जितने भी प्लांट विंटर के देख रहे हैं वो आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। और दाम तो सस्ते हैं ही, इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है। मैं एक एक करके शेयर करूँगी क्या ग्रोथ है, कितने बड़े पॉलीबैग में लगे हुए हैं और क्या इनकी प्राइस है। सारी चीज़ें डिटेल में मैं शेयर करूंगी। और इनके यहाँ जो जाते होंगे उनको पता ही होगा कि इनके यहाँ की प्राइस बहुत ही अच्छी होती है। कहा जाए चाहे वो सीजनल हो या परमानेंट प्लांट हो, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं कुछ अच्छे सस्ते और रेयर प्लांट जो मुझे दिखते हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि परमानेंट प्लांट का कोई सीजन रहता नहीं है, वो ऑल टाइम आप कभी भी इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर वो अच्छे सस्ते दामों में मिले तो उन्हें परचेज कर लेना चाहिए, वो फ़ायदे के डील रहती है। तो कुछ परमानेंट प्लांट भी शेयर करेंगे, कुछ लकी प्लांट भी शेयर करूँगी जो कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं, जो बहुत कम ही दिखने को मिलता है। और इनके यहाँ खाद भी ले जा सकते हैं जो कि 5 रुपये से स्टार्ट है। बहुत लोगों को पत्ते वाली खाद नहीं मिलती है, तो इनके यहाँ पत्ते वाले मिक्स खाद भी मिल जाएंगी। तो डिटेल में खाद के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले मैं ये कॉस्मोस से शुरू कर रही हूँ। देखिए कॉस्मोस में 2-3 कलर आपको मिल जाएंगे, येलो, डार्क मैरून और एक ऑरेंज कलर में है। प्लांट की ग्रोथ तो मोनिका एक प्लांट वो ये दिखा दीजिए, जिसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। देखा जाए तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, बर्ड भी बहुत सारे बर्ड्स भी हैं सही है। और सीड से भी ग्रो हो जाता है, कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है, जहाँ जहाँ सीड गिरते वहीं ग्रो हो जाते। बहुत खूबसूरत ईजी टू ग्रो प्लांट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी कलियाँ आती हैं, बहुत सारे फूल आते हैं और ईजी टू केयर है, बेस्ट प्लांट है ये विंटर का। उसके बाद देखिए इधर एक बहुत ही खूबसूरत ईजी टू ग्रो जाफरी है। जाफरी में बहुत सारे आपको कलर वेराइटी मिल जाएगी और प्लांट की ग्रोथ देखा जाए तो बहुत बुशी है। मैं दिखा देती हूँ, बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारी क्यूट से फ्लावर आते हैं। और आगे भी मैं शेयर करूँगी, इनके पास बड़े वाले भी जो गेंदा होता है वो भी मिल जाएंगे, हजरिया गेंदा। और देखिए कलर बहुत सुंदर है, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी, बुशी प्लांट है, ले जा सकते हैं। और ये भी मात्र आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। इसकी फूलों की साइज़ देखिए कितनी बड़ी है। और कुछ येलो कलर में भी जाफरी में है, ऑरेंज है और डबल सेड में भी आपको यहाँ ये जाफरी मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए बहुत सुंदर ये बर्मीना है, विंटर बर्मीना, और इसमें भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे विंटर बर्मीना में भी। और ये बहुत सुंदर प्यारा पर्पल कलर है, पर्पल सेट में है, तो बर्मीना भी आप यहाँ से 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। ये वाइट कलर है, कलर बहुत सारे बर्मीना में आते हैं और इसकी टिप की कटिंग भी लगती है, तो जो बिगनर है उन्हें पता नहीं रहते किसकी कटिंग लगती है। मैं बता देती हूँ ताकि पैसा वसूल हो जाए लोगों का, कटिंग से बहुत सारा प्लांट तैयार कर ले। इधर मेरा सबसे फेवरेट, ऑल टाइम कहा जाए तो फेवरेट है कोलियस। कोलियस भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं, बहुत सारे कलर में अब मिल जाएंगे, 4-5 कलर तो आपको आराम से कोलियस के मिल जाएंगे। पिछले साल ये वाली वेराइटी मेरे पास थी लेकिन अभी नहीं है, तो मैं ले कर जाऊँगी। और एक मिनट, ये देखिए बहुत बुशी और ग्रोथ है इसकी। और जैसे कि पता है सबको कि इसकी टिप की कटिंग बहुत इजी से लगती है, बहुत खूबसूरत कलर है। तो देखिए मैं एक तो अलग निकाल रही हूँ, मैं ले जाऊँगी, और एक ये कलर भी नहीं है, तो देख ही सकते 4-5-6 कलर आपको मिल जाएंगे। तो मैं शेयर कर देती हूँ कौन कौन से कलर हैं जो कि आप यहाँ से
ले जा सकते हैं। एक वहाँ से वो दिखाइएगा तो मोनिका, वो कटे वाले लीफ वाले पत्ते नहीं, ये उसके साथ, हाँ हाँ देखिए, ये वाली वेराइटी बहुत कम ही देखने को मिलती है। एक ये वेराइटी है और एक ये वाली, ये उसके बगल वाली नहीं, हाँ 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 बहुत सुंदर कलर है। तो कुछ वेराइटी है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और देखिए बहुत हेल्दी बुशी प्लांट है। एक ये पिटूनिया भी दिखा दीजिए, पिटूनिया भी देखिए, कहा जाए तो विंटर का ये राजा है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है। तो मैं आज डायरेक्ट ही आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कितनी अभी बिजी हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर उनको पता ही है मैं अपने घर में बहुत बिजी हूँ, थोड़ी सी टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। तो वॉइस ओवर भी नहीं की हूँ मैं, बोली फटाफट एक आपको ओवरव्यू दे दे रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कलर है। प्लांट की ग्रोथ देखा जाए तो बहुत फ्रेश हेल्दी है, मरे गिरे हुए प्लांट नहीं है। और देखिए बर्ड्स कितने सारे हैं, तो बर्ड्स वाले प्लांट ले जाइएगा जिसमें बहुत सारा बर्ड्स हो। और देखिए बहुत बुशी है प्लांट है। कलर मैं शो कर देती हूँ, ऐसा कोई कलर नहीं है जो कि पिटूनिया में नहीं मिलेंगे। इवन आपको डबल सेट में भी आपको मिल जाएगा पिटूनिया यहाँ पे, तो डबल सेट वाला भी शेयर कर देती हूँ। और ये रेड कलर है तो डबल सेट वाला भी मिल जाएगा। तो नर्सरी विंटर में देखने में मज़ा ही कुछ और आता है, कलरफुल पूरा नर्सरी भर जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये सारे पिटूनिया हैं, इनके बहुत पिटूनिया के बहुत सारी इनके प्लांट आए हुए हैं। कलर बहुत सारे ऑप्शंस, कलर ऑप्शंस आपको पिटूनिया के मिल जाएंगे। और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और इधर जो ऑर्नामेंटल चिल्ली है वो भी आपको मिल जाएगा इस, और जैसा कि पिटूनिया वो भी 20 है, कोलियस भी 20 थी, बर्मीना भी 20, और इधर ये 20 में आपको ऑर्नामेंटल चिली भी मिल जाएंगे। तो देखिए इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं और इतने बहुत बुशी प्लांट हैं। और देखिए मिर्ची भी बहुत सारी आई है, तो एक इसमें एक डार्क ब्लैक कलर में, एक ये ग्रीन कलर में, बहुत बुशी प्लांट है, फ्रेश प्लांट है और सारे नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगे हुए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है प्लांट की। उसके बाद देखिए एक पिटूनिया के बाद देखिए ये डेंथस, तो डेंथस में भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और जो गार्डनर गार्डनिंग करने को पता ही है, डेंथस कटिंग से भी लगता है। और इधर ये विंका है और ये हाइब्रिड वाला विंका है, और इसमें भी देख ही सकते हैं बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एक दिखा दीजिए मोनिका कोई, तो बहुत खूबसूरत ये रेड कलर में है, बहुत फ्रेश प्लांट है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो हाइब्रिड विंका में थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, पानी कम दीजिएगा, और कहा जाए तो ये भी परमानेंट प्लांट है। तो एक एक कलर में आप लोगों से शो कर देती हूँ। ये लाइट पिंक में है, डार्क मजेंडा कलर में है, रेड कलर है, वाइट है, बहुत सारा कलर है, लाइट पिंक में भी है, तो बहुत सारा कलर है। और ये क्या है मोनिका? ये तो नीम। अच्छा ये नीम है। और ये सालविया? सालविया नहीं, मुर्गा फूल। अच्छा हाँ मुर्गा, हाँ ये सिलोसिया है, सॉरी। तो ये कॉस्कम, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। एक बार कलर मैं शो कर देती हूँ, रेड है, ऑरेंज है, डार्क मजंडा है, येलो है, तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और ये भी कहा जाए तो रफ एंड टफ प्लांट है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ भी इसकी भी बहुत अच्छी है। और ये है पोल्का डॉट, पोल्का डॉट तो परमानेंट प्लांट है, मेरे पास भी पोल्का डॉट है, ये 25 का है, जो कि 2-3 सालों से मेरे गार्डन में है और कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, तो कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है। ये 25 का है और इसमें आपको 3 कलर मिल जाएंगे, पिंक है और ये रेड कलर है, वाइट कलर है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है, बहुत सुंदर छोटे से
पॉट में भी लगा सकते हैं, 6 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं। और ये जो मैरीगोल्ड है, ये जो बड़े वाले मैरीगोल्ड होते हैं वो हैं। और ये कैसे है मोनिका? ये भी 20 में है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। एक ऑरेंज और येलो कलर में आपको मिल जाएगा, देखिए इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो एटलीस्ट विंटर में एक मैरीगोल्ड जरूर लगाइएगा। और उसके बाद देखिए सकुलेंट भी, इनके पास बहुत सारी वेराइटी आई हुई है सकुलेंट की, तो ये 60 रुपीज़ में है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत सुंदर सुंदर सकुलेंट है। तो सकुलेंट ये है, और इसमें बहुत सारे बेबी पप भी निकले हुए हैं, जिसे अलग करके आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारा बेबी पफ है, जो अलग करके आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। काफ़ी बुशी अच्छी प्लांट है, देखिए बहुत सारा बेबी पफ है, ये सारे इसके बेबी पफ है। एक छोटी सी बेबी पफ आप इसको तोड़ के इसको दबा देते हैं मिट्टी में, तो एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ये भी देखिए, ये भी बहुत प्यारा सकुलेंट है। और इधर ये इंग्लिश आईवी है, तो ये भी बहुत सुंदर ये प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। देखिए ये कितनी, ये इसकी भी बहुत अच्छी हाइट जा रही है। और ये भी एक सकुलेंट की वैरायटी है, तो इसकी भी ग्रोथ देखिए बहुत बुशी है, बहुत हेल्दी प्लांट है, तो सकुलेंट भी अच्छा कलेक्शन है। एक और ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा, ये क्रेसुला है, इसे लकी प्लांट भी बोलते हैं। और इसके बारे में सर्च ज़रूर कीजिएगा गूगल पर, बहुत इसके बारे में अच्छा है, कहा जाए तो बहुत शुभ प्लांट है। इसे आप छोटे से टेबल टॉप में ऑफिस के लिए या रूम के लिए बेस्ट प्लांट है ये, तो इसे भी आप ले जा सकते हैं, ये भी 60 रुपीज़ में है। इसके अलावा आप इनके से परमानेंट प्लांट भी ले जा सकते हैं, बहुत सारा परमानेंट प्लांट है जो कि आप लगा सकते हैं। तो कुछ परमानेंट प्लांट शेयर कर देते हैं, स्पेशली मैं विंटर प्लांट के लिए आई थी। तो जैसे कि आप ये आपको कहीं भी पॉट में लगा हुआ बोगनवेलिया नहीं मिलेगा, और ये मात्र आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और देख ही सकते हैं इसकी ब्रांचेज कितनी हार्ड है, कितनी यानी कि बहुत पुरानी ब्रांचेज वाला ये प्लांट है। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ, मोनिका नर्सरी के प्लांट कभी ख़राब नहीं, मरते नहीं, 99% मरते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इनके प्लांट नॉर्मल गार्डन सॉइल में रहते हैं और लग ही जाते हैं। और कोई मुझसे पूछ रहा था ब्लैक धतूरा, तो ब्लैक धतूरा आप यहाँ से ले जा सकते हैं, तो मैं शेयर कर देती हूँ इसकी ग्रोथ। ये 30 रुपीज़ में है, तो जो सीजनल प्लांट लेने आए वो आप यहाँ से ये ब्लैक धतूरा ले जा सकते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, बहुत शुभ प्लांट मानते हैं ब्लैक धतूरा का। और ये मात्र 30 रुपीज़ में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इधर ये सब कैसे मनी प्लांट मोनिका? अच्छा, ये गमले वाले ये 30 रुपीज़ में है, और जो पॉली बैग में है ये 20 रुपीज़ में है। वैसे भी इनके पास परमानेंट प्लांट बहुत सारे हैं, आप यहाँ आके देख सकते हैं, यहाँ आएगा तो बहुत सारी इंडोर प्लांट की भी वेराइटी मिल जाएगी, जो कि बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी। और नर्सरियों से तुलसी वगैरह भी है, तुलसी जैसा कि अभी लगा सकते हो। तुलसी कैसे है मोनिका? 20 रुपये। तुलसी भी 20 रुपया है। अपराजिता? ये भी 20 रुपये का ही है। और क्या चाहिए? और ये पाउडर पफ कैन, ये वाला 50 का, ये 50 का। देखिए बहुत खूबसूरत यूनिक प्लांट है ये पाउडर पफ। तो ये भी कुछ मतलब ये फिलोडेंड्रॉन की गमले का ना, हाँ ये 200 में, और यही अब दूसरे नर्सरी में 250 में आपको मिलेगा, ये आप यहाँ से 200 में ले जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ऊँचाई। ये है आपके पास? ठीक है, ये 200 में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और नर्सरी में ये 300-250 के करीब में आपको मिलेगा। आप नर्सरी जाते होंगे तो आपको पता ही होगा रेट, तो यहाँ यही है मोनिका नर्सरी खासियत, इनके यहाँ की जो प्लांट की रेट होती है बहुत अच्छी होती है, और परमानेंट प्लांट की भी कलेक्शन बहुत अच्छे हैं। तो आप यहाँ आके देख सकते हैं, बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं जो कि सीजनल प्लांट के साथ आप यहाँ से
ले जा सकते हैं। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी मेरी, जो कि आप यहाँ से प्लांट ले जा सकते हैं। मोनिका नर्सरी काफ़ी फ्रेश और हेल्दी प्लांट आया हुआ है। और इसके अलावा आप इनके यहाँ खाद भी ले जा सकते हैं, इनके यहाँ खाद बहुत अच्छे मिल जाएंगे, यानी पत्ते की खाद, कीचू वाली खाद, सब मिक्स आपको यहाँ मिल जाएगी और 5 रुपये में भी आपको यहाँ खाद मिल जाएगी। तो ये छोटे पैकेट में बना के रखते हैं, यानी 5 रुपये में भी खाद अवेलेबल है, जो कि इनमें मिक्स केचुए और पत्ते की खाद और बहुत सारे गोबर खाद सभी मिक्स है। तो आप इनसे खाद के बारे में पूछ लेते हैं। 80 रुपये में ये गट्टा भी देते हैं, एक बोरिया खाद आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगी। मिट्टी भी आपको यहाँ मिल जाएगी और इनके पास सेरेमिक पॉट भी बहुत सुंदर कलेक्शन है, तो सेरेमिक पॉट भी आपको मिल जाएगी। मिट्टी के पॉट भी इनके यहाँ मिलते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे और बहुत ही हेल्दी, अच्छे हेल्दी प्लांट है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं विंटर के। ऑनलाइन नहीं है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं मोनिका नर्सरी में, तो ऑनलाइन नहीं है, आपको वहाँ जाके प्लांट को लेना पड़ेगा। गाड़ी बहुत अच्छी तरह से अंदर चली जाती है, काफ़ी स्पेस है गाड़ी जाने के लिए, तो आप वहाँ गाड़ी लेके जा सकते। तो छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, थैंक यू।